दुर्ग के श्री शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर द्वारा कुंवार नवरात्र में नौ कुंडी शतचंडी महायज्ञ के आयोजन में अलग अलग राज्यों से आने वाले यज्ञ आचार्य व पंडितों के द्वारा महायज्ञ कराया जाएगा, जिसकी सभी तैयारी समिति द्वारा पूरी कर ली गई है। इसे लेकर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा था, वहीं इस वर्ष कुंवार नवरात्रि पर्व के अवसर पर दुर्ग जिले के सभी धर्म प्रेमियों को माता जी के प्रभावशाली एवं सर्वसिद्ध शतचंडी महायज्ञ का सीधा लाभ मिलेगा और 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन 9 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से 6 बजे तक यज्ञ होगा। इसमें सभी पुरुष वर्ग धोती पहनकर ही यज्ञ स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे, साथ ही महिलाएं नीली या काली साड़ी पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेगी। इसी कड़ी में हुई पत्रकार वार्ता में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस भव्य आयोजन में यज्ञ के पहले दिन सोमवार को शिवनाथ नदी तट से भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में इस वर्ष चैत्र नवरात्र पर्व में विराजमान की जाने वाली माता जी की शोभा यात्रा भी साथ साथ होगी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल होंगे। वहीं कलश यात्रा के बाद प्रथम पहर में पूजा अर्चना और हवन पूजन प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसलिए रखे गए हैं कुंड कि अगर हम संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखी जाए, 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 9 से बड़ी संख्या नहीं है। हमारा काम सबसे बड़ा हो, सबसे अच्छा हो, हमारे देश में, हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में सब संकट से रहित रहें, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, सब लोग सुखी समृद्ध रहें, सबके घर में लक्ष्मी का निवास हो। अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हुए अपन लोग शतचंडी महायज्ञ संपन्न कर रहे हैं। सभी परिवार जो है संपन्न रहें, अगर धन होगा तो रोग भी मिट जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए और जन कल्याण के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग पधारे, इसका लाभ लें। विद्वान लोग यहाँ पधार रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं और अन्य प्रदेशों में भी पंडित लोग पहुँच रहे हैं और अच्छा आयोजन बनाया जा रहा है। इसमें आप लोग सब लोग अपना तन मन धन देकर सहयोग करें। श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा कुंवार नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर सीधा सीधा जनता को लाभ मिले, इस उद्देश्य को लेकर नौ कुंडी शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता स्वयं अपने हाथों से इस नौ कुंडी यज्ञ में आहुतियां डाल सकती है। इसके साथ साथ प्रत्येक सभी धर्म प्रेमियों के लिए परिक्रमा का एक विशेष यहां पर व्यवस्था की गई है, जिसमें किस वस्तु से परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है, यह समिति द्वारा यहाँ पर एक पाम्पलेट के माध्यम से वितरण करके बताया जाएगा। कन्या भोज का विशाल आयोजन प्रतिवर्ष दुर्गा मंदिर समिति आयोजित करती है, इस वर्ष भी हम आयोजित कर रहे हैं, जो कि वृहद रूप से आयोजित है, जिसमें छोटी छोटी कन्या माताओं को माता के रूप में सजाकर नगर भ्रमण कराते हुए शक्ति चौरा में बैठाकर कन्या भोज कराया जाएगा। जनता से विनम्र आग्रह है कि नौ कुंडी शतचंडी यज्ञ का लाभ लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यहाँ मंदिर के पास गंजपारा शक्ति चौरा में जो हवन कुंड बना हुआ है, इसमें आए और अपने अपने परिवार के माध्यम से बैठकर आहुतियाँ डालें। शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर इस बार नवरात्रि में 26 तारीख से लेकर 4 तारीख तक नौ कुंडी शतचंडी यज्ञ का वृहद आयोजन कर रही है और इसके अंतर्गत 26 तारीख को कलश यात्रा श्रीनाथ नदी से माँ दुर्गा मंदिर में वृहद रूप से माता रानी के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ यहाँ विराजमान होगी और 26 तारीख के 4 तारीख तक यज्ञ स्थल में 9 से 12 और 3 से 6 पूर्ण आहुति होगी, उससे आहुति होगी वृहद रूप से। इसमें सभी सर्वजना हिताय सब जन का वो होना चाहिए, धर्म लाभ होना चाहिए, इसी के तहत मंदिर समिति ने आयोजन किया और पूरा दुर्ग शहर से और पूरे प्रदेश से इस यज्ञ में शामिल होंगे। इसमें सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और धर्म प्रेमी इस यज्ञ में शामिल होकर इस वृहद आयोजन को सफल बनाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।